हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के वीडियो में बताऊंगी ब्यूटीफुल बॉर्डर हम किस तरह बनाएं। फ्रेंड, ये बॉर्डर मैंने क्रोशिया से बनाया है और ये बहुत ही जल्दी बन के आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल चार लाइन मैंने बनाई हैं, चार लाइन में इतना चौड़ा ये पट्टी मेरी बन के आ गई है। तो इसे हम किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, गर्ल्स, लेडीज और छोटे बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने टोपी बनाई है, इसमें भी ये बॉर्डर बनाया है। और इसके अलावा देखिए, एक पोंछू बना के तैयार किया था मैंने, इसमें भी ये भी शेप का मैंने गला बनाया है, तो उसमें भी मैंने ये वाला बॉर्डर लगाया है। यहाँ पे गले में आप देख सकते हैं भी शेप का गला है, जिसमें मैंने यही बॉर्डर बनाया है, आप देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले फ्रेंड, इसके लिए हमें चैन जाल के तैयार करनी होंगी। आपको जितनी जरूरत हो, जितना आपका चौड़ा लंबा प्रोजेक्ट होगा, उस हिसाब से आप चैन डाल लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं केवल बताने के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं केवल लगभग 20 चैन डाल के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 20 चैन डाल लूंगी। ये नोट लगा ली है मैंने, अब गिन लूंगी और 20 चैन डाल लूंगी। 1 2 3 4 5, इस तरह से 20 डाल लेती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 20 चैन डाल ली है मैंने। अब यहाँ पे फिर से मैं 3 चैन करूंगी, अगली रो स्टार्ट होगी। 1 2 3, 3 चैन डाल करने के बाद इन 3 चैनों को हम छोड़ देंगे और चौथे पे जाएंगे, चौथे चैन पे, और डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। हर एक चैन में हमने लास्ट तक कर लेना है यहाँ पे डबल क्रोशिया। 3 4 5, देखिए फ्रेंड, इसी तरह से जितना भी आपका प्रोजेक्ट होगा लंबा, तो पूरे में इस लाइन में हमने डबल क्रोशिया कर लेना है लास्ट तक। देखिए फ्रेंड, पूरे में यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। सेकेंड रो के लिए यहाँ पे हम 3 चैन कर लेंगे सबसे पहले। 1 2 3, 3 चैन करने के बाद इसको पलट लेना है। पलटने के बाद हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है हमें, डबल क्रोशिया है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए, क्रोशिया हुक में ऊन लेंगे, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने छोड़ देना है नीचे की लाइन का, तो उसकी जगह जब हम 3 चैन कर लेते हैं तो ये ले लेता है। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ते हुए अगले में जाएंगे, इस तरह क्रोशिया हुक को डालेंगे। देखिए, अगले डबल क्रोशिया में जाके इस तरह से क्रोशिया हुक को डाल लेना है और यहां से ऊन ले लेनी है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमें डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे कर लिया है, तो अगली बार हम क्या करेंगे, अब नीचे से डालेंगे क्रोशिया हुक को। अभी हमने इस तरह से डाला था, अब हम नीचे से क्रोशिया हुक इस तरह डालेंगे, यहां से अंदर निकालेंगे अगले डबल क्रोशिया को, इस तरह से पार करते हुए यहां से ऊन ले लेंगे और यहां पर फिर से कर लेंगे डबल क्रोशिया। तो एक बार ऊपर से डालना है इस तरह से क्रोशिया हुक को, एक बार नीचे से। तो इस तरह से हमारा जैसे एक उल्टा एक सीधा बुनते हैं हम सलाइयों से, उसी तरह से ये बॉर्डर बन के आएगा। देखिए, अभी हमने ऊपर से लिया है, तो अगली बार हम नीचे से डालेंगे ऐसे, और इसको पार करते हुए, अगले डबल क्रोशिया को पार करते हुए इस तरह से यहां से फिर ऊन लाएंगे। ऊन लाने के बाद फिर इससे डबल क्रोशिया करेंगे। अब ऊपर से करेंगे, अब नीचे से करेंगे। ये देखिए, थोड़ा नीचे वाले में थोड़ा प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, जब आपकी आदत बन जाएगी फिर ठीक नॉर्मल आ जाता है। ये देखिए, इसी तरह से एक उल्टा एक सीधा टाइप का ये बन के आता है। देखिए, इतना बॉर्डर हमारा दिखने लगा है। तो पूरे में इस तरह से हम कर लेंगे इस लाइन में, तो मैं पूरे में कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट वाला बचा है हमारा, जो ऊपर वाला डबल क्रोशिया मेरा लास्ट में आया है। तो इस तरह से इसमें भी कर लेना है, लास्ट वाले में भी। देखिए, इसमें कर लूंगी मैं इस तरह से। अब 3 चैन कर लूंगी, 1 2 3। अब हमारी अगली रो स्टार्ट होगी, इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने
ऊपर वाले डबल क्रोशिया जहां पे आता है तो ये उभरा हुआ आता है। देखिए एक उभरी हुई लाइन है, एक गैप है। जो गैप है उसमें नीचे से क्रोशिया हुक डालना है, जो उभरा हुआ है उसमें ऊपर से क्रोशिया हुक डालना है। आपके समझ में आ जाएगा थोड़ा बुनने पर। ये देखिए अब तीन चैन हमने यहाँ पे कर लिए हैं, तो फर्स्ट वाला हमेशा की तरह हम छोड़ देंगे क्योंकि ये इसकी जगह ये चैन ले लेती है। सेकंड वाले में हम जाएंगे, ये हमारा ऊपर वाला है तो इस तरह से क्रोशिया हुक डालती हुई ऊपर वाले में ऊपर से कर लेंगे और नीचे वाले में इस तरह से। देखिए नीचे गैप वाला होता है, जहां पे गैप दिखता है वो नीचे से क्रोशिया हुक डालते हैं तो वो गैप बन के आता है। ये देखिए इस तरह से नीचे वाला कर लेंगे। अब देखिए ये अगला है, अगले में ऊपर से करेंगे। तो ध्यान देना है जिसमें ऊपर वाला ऊपर से करना है, नीचे वाला मैं नीचे डालते हुए, तो हमारा ब्यूटीफुल बॉर्डर बन के आता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, केवल दो लाइन बनाने में हमारा दिखने लगा है बॉर्डर। तो इसको मैं कर लेती हूँ पूरा। देखिए ये नीचे से किया, ये अब ऊपर से कर लूंगी मैं, एक नीचे से कर लूंगी। ये देखिए ये उभरा हुआ दिख रहा है आपको डबल क्रोशिया, इसके ऊपर से ऐसे डालते हुए कर लेंगे। पूरा कर लेती हूँ उसको। देखिए फ्रेंड तीसरी लाइन की लास्ट में मैं पहुंच गई हूं। अब लास्ट वाला बचा है, इसमें भी हम इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए तीन लाइन बनाने के बाद हमारा ये बॉर्डर दिखने लगा है। तो इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे फ्रेंड, तो ब्यूटीफुल बॉर्डर बन के आएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बॉर्डर बन के आता है। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जरूर आप कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।